दिख रहा है, ये थिम्पू सिटी है पूरा, सब बैक साइड का व्यू है, यहाँ पे ज्यादातर गाड़ी नहीं आती है। इमिग्रेशन ऑफिस है ये जो नीचे बिल्डिंग है उसका, नीचे छोटा वाला। लेकिन यहाँ का जो नेशनल एनिमल है उसका जू है, देखेंगे अंदर जंगल में जाके कितना पास है कितना दूर है, थोड़ा सा चढ़ाई है, चलने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा यहाँ पे, अभी भी हम लोग जा रहे हैं। है पास में है क्या ट्रैकिंग? चलो बोला आंटी ने अभी कि पास में है तो हम लोग देख सकते हैं। देखो वो गेट से सीधा चढ़ाई है। मैंने भी कुछ नहीं खा रहे। मैगी नहीं खा? मैगी तो कब से लेके घूम रहा हूँ ना। ओ नहीं? सब आ गए। देख सब तेरे फ्रेंड लोग हैं। हाय बोला। हाय हाय करो। हाय करो। हाय करो निर्मित। तो ये गेट आ गया अंदर का, ये देखते हैं अंदर कहाँ पे है। आ जाओ मेरे पीछे नीचे। ₹100 टिकट। अभी साल का बच्चे का नहीं है। लेकिन यहाँ से बहुत दूर है, दो तीन डियर है बट वो साइड है, हम लोग वहाँ जाएंगे देख के आते हैं। You turn toward me and look so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. How you doing? And underneath the rose of trees, I will see you where the ocean meets the sky. Under your toes, फटाफट चढ़ गए थे चीनू के पास। इधर इधर चीनू के पास। इसका नाम टोटो रखे। दिख रहा है ये थिम्पू सिटी है पूरा, सब बैक साइड का व्यू है, यहाँ पे ज़्यादातर गाड़ी नहीं आती है बट हमारे जो फ्रेंड है जो गाड़ी लेके आया उसने बोला कि आपको बैक साइड का व्यू दिखाता हूँ, यहाँ
से व्यू आपको ज़्यादा दिखेगा। ये यहाँ से स्टार्ट होता है एक कॉर्नर से लेके, ये सिटी वहाँ तक है, ये कॉर्नर से लेके देखो सामने देख, बस इतना ही सिटी है। ये लास्ट में जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये बुद्धा पॉइंट है, दम दूर दिख रहा है। मतलब वहाँ गए थे, वहाँ से घुमा के फिर गाड़ी घुमा के यहाँ से लाए, यहाँ से होते हुए इधर से घुमा के फिर ऊपर हाइट पे ले गया है। अभी हर जगह ऐसा रखा हुआ एक्सरसाइज करने के लिए, आप जिम के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो इधर, वैसे एक्सरसाइज का जरूरत नहीं। हम लोग जितना भी पहाड़ चढ़े हालत ख़राब हो रही है, पढ़ लो, टाइम नहीं मेरे पास। एकदम बर्फ वाली ठंडी ठंडी। अभी नवंबर का महीना है यहाँ पे, अगर आप दिसंबर के बाद अगर आते हैं जनवरी फरवरी मार्च पूरा बर्फ से भरा रहता है सारा एरिया, सब जगह बर्फ होती है। ये जो दिख रहा है जोंग है यहाँ का, मतलब गवर्नमेंट हाउस जो होता है वो है, और उसके बैक साइड में जो पार्लियामेंट हाउस है। पहाड़ जो इतने वाइट वाइट दिख रहे हैं वो सब पैर पैर फ्लैग है। ठंडी 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 ऊपर वो ऊपर में वो टेलीकॉम है, वो तो भूटान का ये ऊपर में बोला नहीं, ये सामने तुम्हारे ये ये होटल नहीं, एक ऑफिस है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है, टेक्सटाइल म्यूजियम, रॉयल टेक्सटाइल म्यूजियम। हैंडीक्राफ्ट इधर ही था, छोड़ दिया। इमिग्रेशन ऑफिस है, ये जो नीचे बिल्डिंग है ना उसका साइकिल नीचे छोटा वाला देखो। थोड़ा वेट किया हम लोगों ने, हम लोग 10 बजे से हम लोग खाने का वेट कर रहे थे, हर जगह ढूंढ रहे थे बट खाना कहीं ढंग का नहीं मिला, और हम लोग ऊपर भी गए थे और बाद में फिर से नीचे आए। ओके, हम लोग इतनी चढ़ाई चढ़ के भी आया फिर भी हम लोग ना भूखे पेट गए थे, पानी भी वहाँ पे नहीं था, हम लोग ने खाना ढूंढे थे, इंडियन खाना तो छोड़ दो, खाना भी नहीं खाया था। तो हम लोग को फाइनली ए वी होटल है थिम्पू में ही है प्रॉपर, हम लोग को सर्कल भी मिला। मैंने वहाँ पर पराठे वगैरह ऑर्डर किया, बहुत अच्छा खाना है, देख के देखो भूख लग रही है हम लोगों को, काफ़ी टाइम बाद हम लोग पराठे, यहाँ पे दही भी मिलता है, रेट भी ठीक है, रिजनेबल है, अच्छा खाना है। तुम लोग पहले सब पढ़ा लेते हैं, बाकी आगे अभी आपको आगे दिखाऊंगा। क्या क्या ओके किड्स होटल ए वी इनके मालिक है होटल एवी का, बहुत अच्छा खाना मिलता है, इंडियन खाना भी मिल जाए आपको। अगर आपको पूरे थिम्पू में किधर ढंग का खाना नहीं मिलेगा आप यहाँ पे आ सकते हो, मैं आपको इनका नंबर जो है आपको नीचे डालूंगा, कार्ड वगैरह आपको डिटेल डालूंगा मैं।